हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री के चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सा लेक्चर, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो आज हम लोग पढ़ते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हम लोग का पिछला वीडियो था इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग डेल्टा टीबी से इंडिकेट करते हैं। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इसमें से स्मॉल डब्ल्यू सोल्यूट का वेट है, स्मॉल एम सोल्यूट का मोलिकुलर वेट है, कैपिटल डब्ल्यू सॉल्वेंट का वेट है, और जो के बी है इसको हम लोग कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी का स्टडी हम लोगों को आज करना है। और डेल्टा टीबी जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट देखिए। सपोज हम मान लीजिए कि 1000 ग्राम वाटर लेते हैं, यह प्योर है सॉल्वेंट, अगर हम इसको बॉयल करेंगे तो यह जो है 373 केल्विन पर बॉयल होगा। बट अगर इसी वाटर में इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर थाउजेंड ग्राम ही वाटर है सॉल्वेंट के फॉर्म में, इसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। इसमें अगर हम 1 मोल कोई सोल्यूट डिजॉल्व कर दें सपोज जैसे शुगर डिजॉल्व कर देते हैं, या 1 मोल ग्लूकोज भी डिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब कोई भी सोल्यूट, बट सोल्यूट जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब जो ये सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया, ये सोल्यूशन अब 373 केल्विन पर बॉयल नहीं होगा। जब प्योर स्टेट में वाटर था तो 373 केल्विन पर बॉयल हो जा रहा था, बट अब जब हम इसमें शुगर डिजॉल्व कर दिए तो हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा डिजॉल्व होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो हमारा 373 केल्विन से ज़्यादा पर बॉयल होगा। एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग इसको बॉयल करके देखते हैं तो यह जो है 373.52 केल्विन पर बॉयल होता है। प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग टी नॉट बी से इंडिकेट करते हैं, और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग टी बी से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें जो स्मॉल डब्ल्यू है, ये जो शुगर डिजॉल्व हो रहा है इसका वेट है, इसका वेट स्मॉल डब्ल्यू, और जो स्मॉल एम है इस शुगर का मोलिकुलर वेट है। शुगर के जगह पर कोई भी सोल्यूट हो सकता है, तो स्मॉल डब्ल्यू जो है सोल्यूट का वेट हो गया, और जो स्मॉल एम है इस सोल्यूट का मोलिकुलर मास हो गया, और जो कैपिटल डब्ल्यू है यह जो सॉल्वेंट है वाटर इसका वेट हो गया। और डेल्टा टीबी क्या है, तो जब हम लोग का प्योर सॉल्वेंट होता है तो उस समय बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, और जब हम उसमें सोल्यूट डिजॉल्व कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है
उसी को हम लोग डेल्टा टी वी कहते हैं। तो डेल्टा टी वी कैसे फाइंड होगा? डेल्टा टी वी जो है टी वी में से टी नॉट बी को सब्सट्रैक्ट करके फाइंड होगा, टी वी माइनस टी नॉट बी, यानी कि 373.52 माइनस 373 केल्विन, यानी कि 0.52 केल्विन। तो ये जो डेल्टा टी वी है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, कितना कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट किया। तो पहले था 373 और अब हो गया सोल्यूशन बनने पर 373.52, तो 0.52 एलिवेट किया, क्योंकि पहले से 373 था तो हमारा 0.52 बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब जो है के वी किसको बोलते हैं? तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को ही के वी बोलते हैं, पर तब जब यह एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वन मोलर सॉल्यूशन का हो। तो यहां पर जो ये डेल्टा टी वी है वो के वी कहलाएगा। इस सॉल्यूशन के लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है यह वन मोलर सॉल्यूशन का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। अब कहोगे कि कैसे ये सॉल्यूशन वन मोलर है? तो हम लोगों को मोलालिटी का फॉर्मूला पता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। तो यहां पर जो है ये सॉल्यूट का मोल कितना है? 1 × 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू कितना है? तो ये भी 1000 है। तो यहां पर जो है कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 1 मोलर। तो ये जो सॉल्यूशन है 1 मोलर है और इसका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है 0.52 वो के वी कहलाएगा, यानी कि इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी 0.52 ही हो जाएगा। इसका यूनिट चेंज कर जाता है, ये जो है केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है। क्यों होता है आगे हम लोग इसको समझ जाएंगे। तो अगर हमारा सॉल्यूशन वन मोलर नहीं रहता है उस कंडीशन में डेल्टा टी वी सिर्फ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। बट अगर हम जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन वन मोलर रहता है उस कंडीशन में डेल्टा टी वी को हम लोग के वी कहते हैं, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो इसी को इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट को आज हम लोग को पढ़ना है। तो यहां से जो है हम इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट का डिफिनेशन लिख सकते हैं। इसका और भी नेम है, इसको हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। और इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। सबको हम लोग केवी से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए केवी का डेफिनेशन क्या है। केवी का डेफिनेशन यहां से भी हम लोग ले सकते हैं कि व्हेन वन मोल सोल्यूट इज एडेड टू 1000 ग्राम सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट्स। हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है एलिवेट्स कर जा रहा है। दिस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। यानी कि यहां से हम डिफिनेशन लिख सकते हैं,
when one mole solute is added to 1000 gram solvent, the elevates its boiling point. This elevation of boiling point is called ebullioscopic constant. हम लोग जो है यहां से ebullioscopic constant का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये जो है डेल्टा टीबी है, ये हमारा केबी है, और ये जो है मोलालिटी का फॉर्मूला है, तो इसके जगह पर हम लोग मोलालिटी लिख सकते हैं, और में हम लिख सकते हैं केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन सीएम, वेयर डेल्टा टीबी क्या है, तो इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और सीएम क्या है, तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां से केबी का एक और डिफिनेशन मिल जाएगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। अब हम देखते हैं कि केबी का यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ केबी केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन सीएम। तो डेल्टा टीबी क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंट है, इसका यूनिट होगा केल्विन। ये क्या है, मोलालिटी है, ये मोलालिटी है, तो मोलालिटी का यूनिट होता है मोल केजी इनवर्स। तो ये केजी ऊपर ले जाएंगे केजी इनवर्स तो केजी हो जाएगा, और मोल जाएगा तो ऊपर में मोल इनवर्स हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब जिस तरह से इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है उसी तरह से क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी होता है। तो अगला टॉपिक देखते हैं, इसको भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं,
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और करके इसको हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको हम लोग केफ से इंडिकेट करते हैं। केफ क्या है? तो अगर हम 1000 ग्राम वाटर लेते हैं ये सॉल्वेंट है तो यह 273 केल्विन पर फ्रीज होता है, बट अगर हम इसी वाटर में यानी कि 1000 ग्राम वाटर में 1 मोल शुगर डिजॉल्व कर दें तो अब यह 271.14 केल्विन पर फ्रीज होगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आप अगर वाटर को फ्रीज करेंगे 273 केल्विन फ्रीज होगा, अगर आप 1000 ग्राम वाटर में 1 मोल अगर कोई भी सोल्यूट शुगर ग्लूकोज कोई भी सोल्यूट डिजॉल्व करके फ्रीज कीजिएगा तो 271.14 केल्विन पर फ्रीज होगा। यानी कि हम लोगों को ये भी पहले से पता है कि जब प्योर सॉल्वेंट में किसी सोल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है और जो सोल्यूशन होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम रहता है। प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को टी नॉट एफ से इंडिकेट करते हैं और जो सोल्यूशन होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट को टी एफ से इंडिकेट करते हैं। तो जितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी एफ बोलते हैं। डेल्टा टी एफ कैसे फाइंड होगा? तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यानी कि 273 माइनस 271.14 केल्विन, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1.86 केल्विन। तो हमारा प्योर सॉल्वेंट में जब हम लोग सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो जितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है उसको हम लोग डेल्टा टी एफ कहते हैं। तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज किया है? तो 1.86 केल्विन। तो ये हमारा हुआ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बट यही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट केएफ भी कहलाता है। पर कब? जब यह डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 1 मोलल कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन का हो, जब यह डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 1 मोलल सोल्यूशन का हो, तो हमारा जो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट 1.86 है वह 1 मोलल सोल्यूशन का ही है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस सोल्यूशन का मोलालिटी निकालेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि हम लोग मोलालिटी का फॉर्मूला जानते हैं कि n अपॉन 1000 अपॉन कैपिटल W। तो ये जो है आपका n है और ये जो है आपका कैपिटल W है। जब ये डिजल्व हो गया तो सोल्यूशन बन चुका है। तो n के जगह पर 1 और कैपिटल W की जगह पर 1000, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया आपका 1 मोल। तो ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है 1 मोलर सोल्यूशन का है, इसलिए यही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाएगा। अगर यह डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 1 मोलर सोल्यूशन का नहीं होता तो फिर ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट नहीं होता, सिर्फ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है। बट यहाँ पर जो
ये वैल्यू होगा, ये केफ का होगा 1.86, बट इसका यूनिट लग जाएगा केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब यहां से हम डिफिनेशन दे सकते हैं इसका, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का, चाहे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का हो, चाहे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट का हो। तो क्या दे सकते हैं कि व्हेन वन मोल सोल्यूट इज एडेड टू 1000 ग्राम सॉल्वेंट द डिक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दिस डिप्रेशन ऑफ द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फिर से डिफिनेशन को देखिए, व्हेन वन मोल सोल्यूट इज एडेड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, दिस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। तो हम डिफिनेशन लिखते हैं, व्हेन वन मोल सोल्यूट इज एडेड, ये जो है नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, सोल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, तो व्हेन वन मोल सोल्यूट इज एडेड टू 1000 ग्राम सॉल्वेंट द डिक्रीज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, दिस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दिस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू केफ इंटू सी एम होता है, सी एम क्या है, तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और केफ क्या है, तो यह क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और डेल्टा टीएफ क्या है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। यहां से अगर केफ निकालेंगे हम लोग तो ये सीएम इसका डिवीजन में हो जाएगा, डेल्टा टीएफ अपॉन सीएम, यहां से भी केफ का डिफिनेशन हो जाएगा। केफ का डिफिनेशन क्या होगा, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पर मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। अब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ के एफ, के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन सी एम। डेल्टा टी एफ क्या है? तो टेम्परेचर का डिफरेंट है तो इसका यूनिट केल्विन होगा, और सी एम मोलालिटी है तो इसका हो जाएगा मोल के जी इनवर्स। जब केजी को ऊपर ले जाएंगे केजी इनवर्स को तो केजी हो जाएगा, तो केल्विन केजी, और मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी कीजिए। अब हम लोग केवी का एक टेबल देखते हैं। तो टेबल फॉर केबी, ये जो है कुछ सॉल्वेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट यहां पर नोट किया गया है और इसका केबी का वैल्यू यहां नोट किया गया है। सपोज वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन होता है, और वाटर का जो केबी होता है 0.52 केल्विन के जी मोल इनवर्स होता है। यह टेबल आप लोगों को याद रखना होगा। ये टेबल कैसे प्रिपेयर किया गया है? तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। सपोज जैसे आप 1000 ग्राम वाटर ले लीजिए जो कि एक प्योर सॉल्वेंट है, और इसको बॉयल कीजिए, कितना पर बॉयल होता है? तो जनरली हम लोग जब वाटर को बॉयल करते हैं तो 373 केल्विन पर बॉयल हो जाता है। तो यहां लिख दिया गया कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन है। अब हम 1000 ग्राम वाटर में 1 मोल सोल्यूट डिजॉल्व करेंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो देखा गया है कि अब जो ये बॉयल होगा वो होगा 373.52 केल्विन पर। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट किया? तो पहले था 373 केल्विन, अब हो गया 373.52 केल्विन, तो 0.52 केल्विन एलिवेट किया। जितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट किया उसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ? तो 373.52 माइनस 373 केल्विन, क्योंकि डेल्टा टीवी का फॉर्मूला होता है कि टीवी माइनस टी नॉट बी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन कितना है? 373.52। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? तो 373। कितना हुआ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में? तो 0.52। अब जो है यह एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसका है? तो 1 मोलल सॉल्यूशन का है। हम लोग देख चुके हैं कि अगर हम 1000 ग्राम में 1 मोल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा कितना होगा? 1 मोलल होगा। और हम लोग डिफिनेशन जान चुके हैं कि 1 मोलल कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन का जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है वही इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट होता है। तो यहां पर जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू होगा वही आपका इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू होगा। तो यहां पर हो जाएगा 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो इस तरीके से यहां जो वाटर का केबी है 0.52 केल्विन के जी मोल इनवर्स लिखा गया है। तो सारा जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंट पर लिखा गया है। यहां जो है वाटर के प्लेस पर अगर हम लोग एसीटोन को लेकर के बॉइल करेंगे तो
29 केल्विन पर पायल होगा, इसलिए यहाँ पर 329 केल्विन लिखा गया है। अब हम 1000 ग्राम एसीटोन को लेकर के उसमें 1 मोल सोल्यूट को डिजॉल्व करेंगे तब कितना बॉयल होगा, तो 329 से 1.70 ज्यादा पर बॉयल होगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना इलिवेट किया, तो 1.70 इलिवेट किया, इसलिए यहां पर लिखा गया है 1.70। तो इसी तरीका से ये सब जो सॉल्वेंट है ये सबको बारी बारी से बॉयल करके देखा गया कि कौन कितना पर बॉयल होता है, तो ये इतना पर बॉयल होता है, इतना बॉयल होता है, इतना बॉयल होता है, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट करके लिखा गया है। अब ये वैल्यू कहाँ से लिखा गया है, तो आप 1000 ग्राम एसीटोन लेकर उसमें 1 मोल डिजॉल्व करेंगे तो जितना बॉइलिंग पॉइंट इलिवेट किया ये हो गया। अगर आप 1000 ग्राम क्लोरोफॉर्म लेकर के अगर बॉयल उसमें 1 मोल जो है सॉल्ट डिजॉल्व करके अगर बॉयल करेंगे तो जो सॉल्यूशन पर होगा उसका एलिवेशन जो होगा बॉइलिंग पॉइंट का इतना होगा, इसलिए इतना लिखा गया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है, आप एक प्योर स्टेट में बॉयल करके देखिए कितना हो रहा है, तो उस सॉल्वेंट का आप ये बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लीजिए और उसी सॉल्वेंट में आप 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व करके देखिए कि कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर रहा है उसका, तो उसको आप इस केवी वाले टेबल में लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारा टेबल फॉर केवी, इसको आप कॉपी कीजिए। जिस तरह से केबी का टेबल होता है सेम उसी तरह से केफ का भी टेबल होता है। तो टेबल फॉर केफ, इसमें सॉल्वेंट हो गया वाटर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन और इथाइल अल्कोहल। ये जो वाटर है कितना पर फ्रीज होता है, तो 273 केल्विन पर। क्लोरोफॉर्म कितना पर, तो 209 केल्विन पर। अब जो है अगर हम 1000 ग्राम वाटर लेकर के 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व कर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जितना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा उसको हम लोग केफ कहते हैं। अगर हम 1000 ग्राम कोई भी सॉल्वेंट लेते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो इस टेबल में है। अगर हम उसमें 1 मोल कोई सॉल्ट को डिजॉल्व कर देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है डिक्रीज कर जाता है। तो कितना डिक्रीज करता है, वो इस टेबल में है। अब सपोज जैसे मान लो कि हम 1000 ग्राम वाटर को अगर हम फ्रीज करेंगे तो ये 273 केल्विन पर फ्रीज होगा। ये तो हम करके चेक कर सकते हैं, 273 केल्विन पर फ्रीज होगा। बट अगर इसी 1000 ग्राम वाटर में अगर हम 1 मोल कोई सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दें तो अब ये 273 केल्विन पर फ्रीज नहीं होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज होकर के फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 271.14। तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज किया, तो ये जो है प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को सब्सट्रैक्ट करके जान जाएंगे। तो यहां पर जो है हमारा फॉर्मूला होता है कि टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ कितना है, तो 273, और हमारा टीप कितना है, तो 271.14। और जब हम लोग सबस्ट्रेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1.86 केल्विन। तो ये जो है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है 1.86 केल्विन। अब देखिए एक बार और हम इसको अच्छा से समझा दे रहे हैं। सपोज अगर हम 1000 ग्राम वाटर लेते हैं तो इसको फ्रीज करेंगे तो 273 केल्विन पर फ्रीज होगा। अगर हम इसमें 1 मोल सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, तो 271.14 केल्विन हो जाएगा यहाँ पर। अब जो है फ्रीजिंग पॉइंट का जितना डिक्रीजिंग हुआ उसको हम लोग कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ कितना हुआ, तो हमारा डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है कि टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यानी कि इसके वैल्यू से इसको, इसके वैल्यू से, इसके वैल्यू से इसके वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कभी भी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सॉल्यूशन का कम होगा। तो हम 273 से सब्सट्रैक्ट किए कितना, 271.14, इसको सब्सट्रैक्ट करने पाया 1.86 केल्विन। तो ये हुआ हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। बट हम लोग जानते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को ही केएफ कहते हैं, लेकिन कब, जब यह डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 1 मोलर सॉल्यूशन का हो,
ये जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वन मोलर सॉल्यूशन का है, इसलिए ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ये क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट हुआ। अगर ये वन मोलर सॉल्यूशन नहीं होता तो फिर डेल्टा टी एफ केएफ नहीं होता। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें।